मित्रों, आप लोग बार बार सवाल पूछते हो ना कि बस ड्राइविंग सीखना हमारे लिए क्या उपयोगी है, कितनी इनकम होती है, बस ड्राइवर कितना कमाते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ हम तो आपको बता ही चुके हैं, और मित्र हैं हमारे ड्राइवर भाई, उनसे भी आपको पूछवाते हैं कि लगभग कैसे सीख सकते हो आप, उन्होंने कैसे सीखा और आप लगभग कितनी इनकम कमा सकते हो ड्राइविंग में। अच्छा, आपके लिए सही व्यवसाय है, सही सिस्टम है या गलत है, ठीक है, आइए पूछते हैं। हमारे साथ हमारे उस्ताद जी हैं, श्याम शंकर शुक्ला जी हैं। ये कितना साल हो गया उस्ताद जी बस चलाते हुए आपको लगभग ड्राइविंग लाइन में? मित्रों, हमको हो गया लगभग 20 साल। 20 साल से आप ड्राइविंग कर रहे हैं जी। तो कौन कौन सी गाड़ियां आपने चलाई है, छोटी बड़ी में? पहले तो हम ट्रक चलाते थे। अच्छा, लेकिन अब जो है 4-6 साल से बस चला रहे हैं स्कूल की। अच्छा, तो जो है ये ड्राइविंग आपने सीखा कैसे, ये बताइए, शुरुआत कैसे किया आपने सीखने की? ड्राइविंग सीखे जो है हम कंडक्टरी करके। अच्छा, पहले कंडक्टरी की है ड्राइवर के साथ। अच्छा, रह करके। अच्छा, तो वो ड्राइवर आपका कोई रिश्तेदार था या मित्र था, कैसे आप उसके पास पहुंचे? नहीं, वो हमारे मित्र थे। अच्छा, तो मित्र के साथ आप कंडक्टरी किए, लगभग कितने दिन किए? लगभग 2 साल तक। 2 साल तक आपने कंडक्टरी किया उनके साथ? जी हाँ। ट्रक में? हाँ। तो उसमें भी कुछ इनकम होती थी? उसमें तो बहुत बड़ी इनकम थी कंडक्टरी में। कंडक्टरी में भी, ड्राइवरी में भी, चूंकि वो उस लाइन की गाड़ी थी। अच्छा, वो जो है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से चलती थी। अच्छा, तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट थे। हाँ हाँ। तो उसमें जो है कमाई ज्यादा थी, तो उसी हिसाब से कंडक्टर को भी प्रॉफिट था। अच्छा, तो हिंदुस्तान लीवर की गाड़ी थी जी। कितने दिन चली वो, उसमें कितने दिन रहे आप? उसमें हम 2 साल रहे। अच्छा, उसके बाद जो है हम खुद ड्राइवर हो गए। हाँ। और ड्राइवर होने के बाद तो उसी कंपनी की गाड़ी हम स्वतः चलाने लगे। ठीक। जब स्वतः चलाने लगे तो उसमें कमाई ज्यादा थी। लगभग कितने इनकम महीने में हो जाती थी? लगभग 35-40 हजार रूपए होती थी पर मंथ। हाँ, ड्राइवर की। ड्राइवर की। ठीक। अच्छा, देखिए भाई लोग, आप लोग कहते हैं ना कितना ड्राइवर कमाता है, तो देखिए आपके मेहनत करने के ऊपर है। ट्रक लाइन में अगर आप जाते हो तो जितना हमारे उस्ताद जी ने बताया, लगभग इतनी इनकम आपकी होती है। ठीक है, अब बस लाइन में देखते हैं, जब उस्ताद जी ने बस भी चलाई है तो उसके बारे में बताएंगे। हाँ जी। तो उसके बाद फिर जो है हम स्कूल की बस चलाने लगे मित्रों। ठीक। जब स्कूल की बस चलाने लगे तो इसमें प्रॉफिट कम है लेकिन आराम है। हाँ, शरीर को रेस्ट है। शरीर को। हाँ, घर में रह सकते हैं अपना, रेस्ट है। और मेहनत इतनी ज्यादा है नहीं, है नहीं। हाँ, तो अपना घर परिवार भी देख सकते हैं। हाँ। और अपने खर्च के लिए जो भी होता है पैसे भी मिल जाते हैं लगभग, फिर भी मान के चलिए कि 10-11 हजार। हाँ हाँ, 11 हजार के समथिंग जो है यहाँ की सैलरी है। हाँ हाँ, ठीक। लेकिन अपने फैमिली के साथ तो हैं? अपने फैमिली के साथ हैं, अपने समय से, परिवार में हैं। हाँ, समय से आते हैं, समय से घर चले जाते हैं जी, है ना। और ट्रक में तो भाई समय का कोई पता नहीं, कहाँ घूम रहे हैं, समय कहां का नहीं। कोई पता नहीं। अब आप 1 महीने बाद अपने परिवार के पास आओगे। हाँ, या हाँ, आप 2 महीने बाद आओगे। हाँ, हाँ, या कहीं फंसे हैं जी, कोई उसमें निश्चित नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें जो है एक फिक्स समय है। हाँ, इतनी समय तक हम बस चलाएंगे, इतनी समय के बाद हम फ्री रहेंगे जी। तो मित्रों, हमारे हिसाब से ये बस ज्यादा सही है, अगर परिवार भी देखना है तो। तो और नहीं तो पैसे के कमाना चाहते तो घर छोड़ो, ट्रक लाइन में जाइए आप। हाँ, ट्रक लाइन में बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, छोटी गाड़ी भी आप चलाते हैं? जी हाँ। तो छोटी गाड़ी आपने बड़ी गाड़ी के बाद सीखा कि पहले से चलाते थे? नहीं नहीं, छोटी गाड़ी तो हम जो है बड़ी गाड़ी के बाद चलाए। अच्छा, तो हमें सीखना नहीं पड़ा उसको। अच्छा, क्योंकि पहले जब ट्रक चलाए तो 17-18 साल 20 साल तक ट्रक चलाए। हाँ। नहीं तो फिर छोटी गाड़ी खुद की खरीद लिए। अच्छा, तो स्वतः चलाने लगे, उसे हमें सीखना नहीं पड़ा। हाँ, क्योंकि अनुभव था। था। अच्छा, ये बताइए, जैसे जल्दी कोई गाड़ी सीखना चाहे, आपने बताया 2 साल हमने कंडक्टरी किया जी, तो अगर जल्दी सीखना चाहता है तो क्या बड़ी गाड़ी से वो भी शुरुआत करे या कि छोटी गाड़ी से शुरुआत करेगा? सीखना तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी कोई ड्राइवर बनना चाहे तो क्या करिए बताइए? वो जो है बड़ी गाड़ी से मित्रों
स्टार्ट करे सीखना या छोटी गाड़ी से सीखना शुरू करे, जल्दी हो जाएगा। जैसे अभी स्कूल की बसें हैं हमारी, अगर इसमें वो सीखना चाहे तो जल्दी सीख जाएगा। कंडक्टरी करे, कंडक्टरी कर ले शुरुआत में। ठीक ठीक। या हमारे भाई साहब का जो ये चैनल चल रहा है इसके माध्यम से सीखना चाहे तो उसको कंडक्टरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इतना ज्ञान तो हम लोग चैनल में दे रहे हैं, वो चैनल से ही सीख जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इतना वीडियो तो, इतना ज्ञान तो दिया ही जाता है कि आसानी के साथ कोई भी ड्राइविंग के जितने फार्मूले वो समझ सके वीडियो के माध्यम से। जी जी बिल्कुल। बाकी प्रैक्टिकल कैसे करें ये बताइए। छोटी गाड़ी में प्रैक्टिकल करके क्या बड़ी गाड़ी चलाने लगेगा आदमी? बिल्कुल जी। हाँ बिल्कुल, मित्रों चलाने लगेगा। अच्छा, प्रैक्टिकल छोटी गाड़ी में करे। हाँ, जब उसका हाथ पैर सब सेट हो जाए। हाँ, तो बड़ी गाड़ी बिल्कुल चलाने लगेगा। और फिर भाई साहब का हमारे चैनल मार्गदर्शन कर ही रहा है। हाँ भाई, देखिए छोटी गाड़ी हर जगह सुगमता से उपलब्ध है, लेकिन बड़ी गाड़ी सबके पास उपलब्ध नहीं है। तो अगर छोटी गाड़ी में हाथ उसका साफ हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है बंदा, तो फिर एक दो दिन में बड़ी गाड़ी चला सकता है नहीं, ये आप बताइए। बिल्कुल चला सकता है, लेकिन चैनल के माध्यम से। हाँ, जानकारी लेगा तभी। हाँ भाई, फंक्शन के पता होना चाहिए, गियर का सब कुछ पूरा कंफर्म होना चाहिए। बिल्कुल, तब फिर वो बड़ी गाड़ी भी चला लेगा। और थोड़ा जजमेंट भी चाहिए। और शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे चलेगा तो धीरे धीरे अनुभव खुद आ जाएगा उसको चलाते चलाते। ठीक तो है। मित्रों, हमारे भाई साहब का ये चैनल जो है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और आप छोटी गाड़ी में प्रैक्टिस करके आप चैनल के माध्यम से बड़ी बस चला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शुक्ला जी। एक बार ये भी बोल दीजिए। लेकिन मित्रों, आप ये वीडियो भाई साहब का देखिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। जरूर करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी जानकारी देने के लिए। फिर से सभी मित्रों को धन्यवाद। ठीक है भैया, हमारे उस्ताद जी ने क्या बताया आपको, जो हम जानकारी आपको वीडियो में देते हैं ना, लगभग उसी से मैच करती हुई जानकारी आपको दिया होगा उस्ताद जी ने हमारे। और आपको बताया है कि शेयर जरूर करिए, कमेंट भी करिए, जो भी सवाल आपके हों आप क्वेश्चन करिए, उस पर वीडियो बना के देंगे। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जो पुराने मित्र हैं हमारे वो एक लाइक कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं इस तरह के अगले नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित चलिए। जय हिंद, जय भारत।